दोस्तों पहले T20 में जिस तरह से भारतीय टीम ने एक बड़ा स्कोर बनाकर मैच को नहीं जीत पाई, इससे टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की तैयारियों में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। T20 में 211 रन बनाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहता, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने 5 गेंद पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया, उससे भारतीय गेंदबाजी की पूरी तरह से पोल खुलकर रख दी है। साथ ही कप्तानी का भी अनुभव होना भारतीय टीम को ले डूबी है। पंत एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी इस युवा खिलाड़ी के ऊपर कप्तानी का बोझ डाल देना किसी भी दिग्गज के समझ में नहीं आ रहा है। मैच के दौरान पंत ने कई गलतियां गेंदबाजों को लेकर की, जिसका खामियाजा टीम इंडिया को उठाना पड़ा। अब BCCI के ऊपर कप्तान को बदलने का दबाव काफी हो गया है। अगर अब पंत दूसरे मैच में टीम को नई जीत नहीं दिला पाते हैं तो फिर उनकी कप्तानी पर तलवार लटक जाएगी और फिर मजबूरन BCCI को 20 सीरीज में ही हार्दिक पांड्या को ये जिम्मेदारी सौंपनी होगी। दोस्तों दूसरा मैच 12 तारीख को कटक में होगा। ऐसे में दूसरे मैच में हर हाल में अफ्रीकी टीम को रौंदने के लिए पंत और कोच राहुल द्रविड़ की जोड़ी ने गेंदबाजी यूनिट में बड़ा बदलाव कर दिया है, क्योंकि पिछले मैच में बल्लेबाजों ने तो अपना काम बखूबी किया, गेंदबाजों ने टीम की लूटियां डुबो दी। ऐसे में बल्लेबाजी यूनिट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन गेंदबाजी यूनिट में बदलाव किया गया। आपको बता दें, पहले मैच में पिटाई खाने वाले गेंदबाज अक्षर पटेल और आवेश खान को टीम से बाहर कर दिया गया है और इसकी जगह पर रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक और यॉर्कर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। हालांकि सबसे ज्यादा रन लुटाने के बावजूद हर्षल पटेल को प्लेइंग 11 से बाहर नहीं किया गया है। दोस्तों उमरान और अर्शदीप दो ऐसे गेंदबाज हैं जो अफ्रीकी टीम की धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो दोस्तों अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा इसके सामने अफ्रीकी बल्लेबाज कैसे बल्लेबाजी करते हैं।